व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है टूरिस्ट। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो किसी डार्क रूम में बंद है और उसके ऊपर कुछ लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो चिल्ला रही है, चीख रही है, लेकिन आसपास खड़े लोगों में उसे कोई भी मदद करने नहीं आता। और इसी के साथ ये सीन यहीं कट होता है, जिसके बाद हम कुछ न्यूज़पेपर कटिंग को देखते हैं जहाँ पर बताया जा रहा था कि ब्राज़ील में आने वाले पिछले एक साल में बहुत सारे टूरिस्ट अपने घर वापस नहीं जा पाए और इनमें से ज़्यादातर लड़कियां थीं जो कि यंग होती हैं। अब इस न्यूज़पेपर कटिंग में किस बारे में बात हो रही है और जिस लड़की को हमने कहानी के शुरुआत में देखा था वो कौन थी, ये सब सवालों के जवाब आपको आगे मिलेंगे। यहां से कहानी पहुंचती है 2 महीने बाद, जहां पर हम एक टूरिस्ट बस को देखते हैं जो कि ब्राज़ील के एक गाँव की ओर जा रही है, लेकिन उसका ड्राइवर बस को फरारी की तरह चला रहा होता है, जिस वजह से वो एक मोड़ पर जाकर अटक जाती है। अब बस पलटने वाली थी कि तब तक सभी लोग एक एक करके बाहर आ जाते हैं और फिर बस सीधा नीचे खाई में जाकर गिरती है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि किसी को यहाँ पर चोट नहीं आई थी। पर अब यहाँ इन्हें कोई बस मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इस रास्ते में ज्यादा लोग ट्रैवल नहीं करते, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि ये एक भूतिया रास्ता है। लेकिन इन सब बातों पर ये सारे टूरिस्ट अनजान है, इन्हें कुछ आइडिया नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। इसी दौरान हम एलेक्स नाम के लड़के को पीरू नाम की लड़की से मिलते हुए देखते हैं, जो उन्हें 2 और लोगों से मिलवाती है और फिर इन्हें कुछ और लोग मिलते हैं और फिर इनका अच्छा खासा टाइम पास होने लगता है। लेकिन तभी वहाँ एक पैसेंजर से ड्राइवर के साथ लड़ाई हो जाती है, जब उन्हें बताता है कि आगे का सफर आप लोगों को पैदल ही तय करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बस आने वाली नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन उसी दौरान उन्हें 2 लड़कियाँ दिखती हैं जिनके हाथों में नारियल था, यानी कहीं आसपास कहीं पर बीच है, इसलिए वो लोग अब फौरन बीच को ढूंढना शुरू करते हैं। पर बीच तक पहुंचने के लिए उन्हें जंगल के बीच से होकर गुजरना पड़ता है, जो कुछ ही देर बाद उन्हें वो बीच मिल भी जाता है। बीच देखकर सभी लोग पागल हो जाते हैं और बहुत ही एंजॉय करते हैं। अब वो वहीं बने एक बार में जाते हैं जहाँ पर ये लोग आपस में खूब बातें करते हैं और एक दूसरे के बारे में भी जानते हैं। एलेक्स सभी को बताता है कि वो अमेरिका में स्ट्रीट होल्डर का काम करता है और यहाँ वो अपनी बहन बिया के साथ आया है। उधर दूसरी ओर हम पेरी को एक लड़के से बात करते हुए देखते हैं जो कि यहाँ का लोकल था। उसका नाम होता है कीको। असल में वो इंग्लिश जानता था और ये पीरो को सही लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम लोगों को इंग्लिश बोलने आती है, इसलिए वो अपने सभी दोस्तों को कीको से मिलवाता है और कुछ इस तरह से उन दोनों की भी दोस्ती हो जाती है। लेकिन जिस बार में ये लोग बैठे हैं, वहाँ पर काम करने वाली वेट्रेस एक डॉक्टर को बताती है कि 8 अमेरिकन आए हमारे पास, आप बस हुक्म करिए फिर हम इन्हें देख लेंगे। लेकिन वो डॉक्टर उसे थोड़ा वेट करने को बोलता है। कुछ ही समय के बाद रात हो जाती है और यहाँ पर एक बहुत ही शानदार पार्टी होती है, जिसमें दबाकर सभी लोग नशे और ड्रिंक करते हैं। उसी दौरान फिन को वहाँ एंजेलिना नाम की लड़की मिलती है, जो उसे इंटीमेट होती है, लेकिन बाद में वो उसके सारे पैसे लेकर भाग जाती है और बहुत ही अजीब बिहेव करती है, जो कि फिन को काफ़ी वियर्ड भी लगता है। लेकिन वो आकर दोबारा से पार्टी ज्वाइन कर लेता है। अब यहाँ ये लोग एक एक करके नशे में सोने लग गए थे। ऐसे ही देखते देखते सुबह हो जाती है, लेकिन जब सुबह ये उठते हैं तो ये लोग अपनी जगह पर नहीं थे, सभी इधर उधर बिखरे हुए थे। एलेक्स भागते हुए बीच में जाता है और देखता है कि उसकी बहन बिया बीच किनारे पड़ी हुई है। वो उसे उठाता और बताता है कि जरूर कल हमारी ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था, मैंने सभी के सामान बहुत ढूंढने की कोशिश करी पर वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ तक कि हमारा पासपोर्ट भी चोरी हो चुका है। ये सुनकर बिया पूरी तरह से चौंक जाती है और फौरन अपने बचे हुए साथियों को ढूंढना शुरू करती है। लेकिन यहाँ हम दूसरी ओर इन्हीं के साथ आए एक कपल को देखते हैं, जिन्हें कुछ गांव वाले लोग बांध कर ले जा रहे थे, लेकिन उनका तरीका बहुत ही अलग था। वो उन्हें 2 रस्सियों के बीच में बांध कर ले जा रहे थे, जैसे कि पहले के जमाने में आदिवासी लोग अपने खाने को ले जाया करते थे, शायद ये भी उन्हें अब खाने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन तभी उसमें एक लड़की को होश आता है, वो भागना शुरू करती है पर जाकर एक खाई में गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और उधर दूसरी तरफ वो लोग उस लड़की को भी जान से मार देते हैं, यानी कि इनका मकसद साफ दिख रहा है, ये करना क्या चाह रहे हैं, ये जरूर किसी तरह के कैनिबल हो सकते हैं जो लोगों को मार कर खाते हैं। लेकिन अभी तक बिया के दोस्त इन सब बातों से अनजान है, उन्हें कुछ भी नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। वो फिलहाल अपने खोए हुए दोस्तों को ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए वो पुलिस के पास भी जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस गाँव में पुलिस नहीं है और ना ही गांव के लोगों को पुलिस के बारे में कुछ मालूम है। ये लोग उनसे बात करने की बहुत कोशिश करते हैं पर अफसोस उन्हें इंग्लिश नहीं आती, जिस वजह से ये ऐसे ही भटकते रहते हैं। उसी दौरान एक छोटा बच्चा एलेक्स की कैप पहनकर घूम रहा था और उसके सभी दोस्त उस कैप को पहचान लेते हैं और उस लड़की के पीछे भागते हैं, लेकिन वो भी इन्हें देख कर भागना शुरू करता है। इसी चक्कर में उसे चोट लग जाती है। अब इन लोगों के ऊपर जान की मुसीबत आ जाती है, क्योंकि सभी गांव वाले उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर बाहर आ जाते हैं और इन सभी को मारने के लिए चढ़ जाते हैं। ये सभी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हम इसे कुछ नहीं करने वाले थे, लेकिन उन लोगों को इंग्लिश समझ आती नहीं। पर सही समय पर वहाँ पर कीको आ जाता है और उन सभी लोकल को समझाता है कि इनका सामान खो गया है और इस वजह से ये परेशान है, उसे ढूंढ रहे हैं। तब जाकर वहाँ का माहौल शांत होता है।
सभी लोग कीकू को थैंक यू बोलते हैं, लेकिन यहाँ वो सभी को बताता है कि जिस जगह पर तुम लोग हो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसलिए तुम लोग को फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन वो लोग आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, यहाँ से तो कोई बस जाती नहीं है। वो बताता है कि ऐसा नहीं है, यहाँ से 2 दिन बाद एक बस जाएगी, तुम उसमें बैठकर जा सकते हो, लेकिन 2 दिन के लिए तुम्हें किसी सेफ जगह पर रहना होगा। चलो तुम मेरे अंकल के घर चल सकते हो, वहां तुम 2 दिन रहना और फिर बस लेकर निकल जाना। उधर हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम है जुमारा। वो यहाँ का लोकल और एक अकेला डॉक्टर है इस गांव का, इसलिए सभी लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनके पीठ पीछे वो बहुत बड़े बड़े काम करता है। इसी दौरान उसका एक आदमी उसे एलेक्स और उसके साथियों की फोटो दिखाते हुए बताता है कि कीकू इन लोगों को हमारे पास लेकर आ रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यानी कि कीकू भी इन लोगों के साथ मिला है, वो उन्हें अंकल के घर नहीं बल्कि इसी डॉक्टर के पास ला रहा है। तभी वहां जुमारा का एक आदमी आता है जो उसे बताता है कि जिन 2 टूरिस्ट को हम लेकर आ रहे थे वो दोनों मर चुके हैं, और ये बात जुमारा को पसंद नहीं आती, इसलिए वो उसे कहता है कि अब बस 6 बचे रह गए और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। ये बोलकर वो एक स्टिक को उसकी आंख में घुसा देता है और उसकी आंख बाहर निकाल लेता है। अब ये काफी भयानक सीन होता है और हमें ये जुमारा की दर्दनगी को दिखाता है कि वो क्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है। वहीं दूसरी ओर सभी लोग इन सभी बातों से अनजान कीकू के साथ उनके अंकल के घर जा रहे हैं। उन्हें इस खतरनाक जंगल से होकर गुजरना पड़ता है, पर बीच में उन्हें एक वाटरफॉल दिखाई देता है और इन्हें बस वाटरफॉल और बीच दिख जाए फिर क्या था। वो सभी उसमें कूद जाते हैं और एंजॉय करना शुरू करते हैं। अब कीकू उन्हें उसी पानी के नीचे बनी हुई गुफाओं के रास्तों से आगे ले जाता है। ये रास्ता उनके अंकल के पास जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसके अंदर उन लोगों के लिए दया आ जाती है। उसे लगता है कि ये अच्छे लोग हैं, इसलिए वो उन्हें सच में एक सेफ जगह लेकर जाने लगता है। आगे वो लोग फिर से थोड़ी मस्ती करते हैं, लेकिन इसी चक्कर में कीकू के सर पर चोट लग जाती है। वो बेहोश हो चुका था, इसलिए वो सभी उसे फौरन पानी से बाहर निकालते हैं और उसे होश में लाते हैं, लेकिन उसकी हालत अब ठीक नहीं थी। अब उनके पास उनके अंकल के घर जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। वो सभी उसे फौरन पास में ही अंकल के घर ले जाते हैं। अब ये इस बात से अनजान है कि उसके अंकल असल में वही जुमारा ही है जो इनकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। ये उस घर के अंदर जाते हैं, लेकिन वहां पर बिल्कुल अंधेरा था, और सबसे गौर करने वाली बात ये थी कि यहाँ पे हजारों की तादाद में फॉरेनर के पासपोर्ट थे। ये सारी चीजें देखकर सभी थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन पहले उन्हें कीकू की मरहम पट्टी करना होगा, जिसके लिए वो कुछ मेडिकल किट ढूंढने लगते हैं, लेकिन इस घर में काम की चीज मौजूद ही नहीं है, इसलिए उन्हें मजबूरन उसके घाव पर टाके लगाने पड़ते हैं और कीकू इतना दर्द की वजह से फिर से बेहोश हो जाता है। अब यहाँ बी एलेक्स इस घर के बारे में बात करते हैं, और क्योंकि उसे यहाँ पर काफी अजीब लग रहा था, लेकिन वो कहता है कि ये जंगल के बीच में है इसलिए तुम्हें डर लग रहा है, हम कुछ ही देर में यहाँ से निकल जाएंगे, तुम यहाँ दिक्कत मत लो। लेकिन जब इनके निकलने की बारी आती है तो बाहर तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। फिर ये डिसाइड करते हैं कि आज रात ये यहीं रुक जाते हैं और कल सूरज निकलते ही ये निकल जाएंगे, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि कल का सूरज ये देख नहीं पाएंगे। रात हो जाती है और सभी सो जाते हैं, पर तभी अचानक से वहां पर एक हेलीकॉप्टर उतरने की आवाज आती है। सभी लोग जाग जाते हैं, कीकू फौरन भागते हुए बाहर जाता है और उस हेलीकॉप्टर से जो लोग निकल रहे थे उन्हें अंदर जाने से मना करता है। असल में ये जुमारा और उसके साथ के लोग थे जिन्हें इन लोगों ने यहाँ रुकने की खबर मिल चुकी थी। अब जब जुमारा कीकू से कहता है कि तुम्हारा काम हो गया है तुम जा सकते हो, लेकिन वो मना करता है और इन लोगों को नुकसान ना पहुंचाने के लिए कहता है, पर जुमारा अब कहाँ रुकने वाला था, वो उसे धक्का देकर भगा देता है। उसे मजबूरन यहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन उसे जाता देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि असल में यहाँ सब क्या हो रहा है। तभी जुमारा अपने आदमियों से कहता है कि सभी को बंदी बना लो। उसमें से सबसे पहले बारी थी एमी की। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को ऑपरेशन थिएटर में पाती है। उसके पास जुमारा खड़ा था और उसने उसे एनेस्थीसिया लगा दिया था जिससे कि वो बस सुन और देख पा रही थी। वो जुमारा उसे बताता है कि मैं एक एक करके तुम्हारे बॉडी पार्ट को निकाल लूंगा, पहले तुम्हारी किडनी, फिर तुम्हारे लंग्स और फिर तुम्हारी आंखें और आखिरी में तुम्हारा दिल। बेसिकली जुमारा ऑर्गन निकाल कर स्मगल करता है। अब उसके साइड में फिन भी बंधा हुआ था और वो ये सब बातें सुन रहा था और देख भी रहा था। अब बात करते करते जुमारा एक एक करके उसके पार्ट निकालना शुरू करता है। ये सब वो देख रही थी क्योंकि वो जिंदा थी, उसने अभी तक उसे मारा नहीं था, क्योंकि ऐसा करते ही उसके बॉडी पार्ट बेकार हो जाते, इसलिए जब वो सारी चीजें पहले निकाल लेता है और आखिरी में जैसे ही उसका दिल निकालता है उसी समय वो दम तोड़ देती है और ये सब फिन देख कर रोने लगता है। वो तो यहाँ पर एंजॉय करने आया था, लेकिन ऐसा कुछ हो जाएगा उसे पता नहीं था, लेकिन अब यही हकीकत है और उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। उधर हम एलेक्स और उसके साथियों को देखते हैं जो बाहर कुत्तों के पिंजरे में बंधे हैं, लेकिन उसका साथी जॉन जैसे तैसे करके खुद को छुड़ा लेता है और पहुंच जाता है उसके बाहर। लेकिन इतने में वहां पर डॉक्टर का आदमी आ जाता है और उन्हें मारने लगता है, लेकिन तभी हम कीकू को देखते हैं जो वापस आ गया था इन लोगों की जान बचाने के लिए, क्योंकि इन सभी के पीछे उसी की गलती थी। अब वो यहाँ पर अपनी गलती को सुधारने के लिए आया था, इसलिए एलेक्स अपनी बहन और उसके साथी से कहती है कि तुम लोग नदी के किनारे जाओ और वहां जाकर हमारा इंतजार करो, हम फिन और एमी को लेकर आते हैं।
लेकिन जब एलेक्स सैमी को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी पूरी बॉडी बीच से कटी हुई थी, लेकिन फिन भी होशी की हालत में था। वो उसे उठाता और वहां पर नर्स भी मौजूद थी, लेकिन वो पहले से डरी थी और इन्हें कुछ नहीं कहती। अब जाते समय इन तीनों को जुमारा का आदमी देख लेता है। अब यहाँ फिन तो भाग नहीं पाता, इसलिए वो सबसे पहले उसे शूट करता है और फिर उसके साथी को, लेकिन वह एलेक्स को नहीं मार पाता और इसी का फायदा उठाकर वो भाग जाता है। सुबह हो जाती है और हम बचे हुए लोगों को नदी के किनारे देखते हैं। फिर कीको उन्हें लेकर उसी गुफा के रास्ते से बाहर जाने लगता है, लेकिन इनकी किस्मत खराब होती है कि तभी वहां पर जुमारा और उसके लोग फिर से आ जाते हैं। वो गोली चला देते हैं जो जाकर कीको को लगती है, लेकिन दूसरी गोली एलेक्स के हाथ पर लगती है जिससे वो बच जाता है और फिर वो तीनों भागना शुरू करते हैं। लेकिन अभी इनका सफर बहुत ही लंबा होने वाला है क्योंकि जुमारा के आदमी इनके पीछे पड़ चुके हैं। अब एक आदमी बी के पीछे पड़ जाता है, इसलिए वो अपनी टॉर्च नीचे फेंक देती है जिससे गुफा में अंधेरा हो जाए और वो इन्हें ढूंढ ना पाए। लेकिन उस आदमी के पास भी टॉर्च थी जिसकी मदद से वो उसे ढूंढ लेता है और फिर उस पर एक एरो चलाता है, लेकिन बी उस एरो को उल्टा उसी की गर्दन में घुसा देती है जिससे कि उसका पत्ता साफ हो जाता है। जिसके बाद बी जाकर अपने साथियों से मिल जाती है और फिर तीनों लोग काफी हद तक बाहर आ जाते हैं। लेकिन वहां हमें डॉक्टर मिलता है जो इन तीनों को ढूंढ रहा था। अब इतने में एलेक्स आकर उसके सर पर पत्थर मार देता है जिससे कि वो वहीं गिर जाता है। लेकिन इसी पल वहां पर एक और अनजान आदमी आता है जिसके हाथ में बंदूक थी। जुमारा उस आदमी से कहता है कि इन सभी को मार दो, जो भी पैसे मिलेंगे मैं वो सब तुम्हें दे दूंगा। लेकिन पीरू बार बार उसे मना करती है, उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज हमें जाने दो। हालांकि उसे उसकी भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन उसके दिमाग में न जाने क्या आता है, वो उनको ना मारकर बल्कि जुमारा को मार देता है और फिर वहां से चला जाता है। वो अनजान आदमी गांव वाला था और वो भी इस डॉक्टर से परेशान हो चुका था और इसीलिए उसने उस डॉक्टर को उड़ा दिया। इसके बाद वो तीनों वहां से बाहर आते हैं जहां पर उन्हें कुछ बच्चे मिलते हैं जो इन लोगों को देख लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं। वहां सभी इनकी मरहम पट्टी करते हैं, यानी कि इस गांव के लोग वैसे नहीं हैं जैसे कि हमें इस कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। बेसिकली यहां पे सारी चीजें उल्टी थी। अब कुछ दिनों के बाद इन्हें एक प्राइवेट प्लेन से अपने घर भेजा जाता है, लेकिन जाते जाते एलेक्स बस यही सोचता रहता है कि काश वो यहां पर आया ही ना होता। लेकिन किसी को क्या पता कि लोगों के दिल में क्या है और उस जगह पर क्या हो सकता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इनका यहाँ पर आने का फैसला सही था या फिर गलत, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।